अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर आपके लिए एनालिसिस लेके आया हूँ कैट जेपीवाई का। सबसे पहले हम अपने ग्राफ में चलते हैं। ग्राफ में आने के बाद अब मैं आपको बताऊँ हम ट्रेड लेते कैसे हैं, किस तरह हम मार्केट का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले आप अपनी फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करें। फंडामेंटल जब तक आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। टेक्निकल के भरोसे पे हमेशा ना रहें, टेक्निकल हमेशा आपका साथ नहीं देता। टेक्निकल के जैसे मैं करता हूँ, मेरा टेक्निकल भी होता है और फंडामेंटल, मैं दोनों का एनालिसिस करके ट्रेड देता हूँ। अब देखें, अब मैंने कैट जेपीवाई का मैंने फंडामेंटल किया हुआ है एनालिसिस, अब हम इसका टेक्निकल करेंगे इंशाल्लाह। मैं 2-3 दिन में ना आपको वेबसाइट भी दूंगा जिससे हम फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने ग्राफ में आने के बाद हम मंथ में आ जाते हैं। मंथ में आने के बाद हमें ये क्या शो करवा रहा है कि 3 मंथ्स की कैंडल्स डाउन आ रही हैं। अब यहाँ पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेक कर लेंगे इसकी। सबसे पहले हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा लेंगे। ये देखें, ये लग गई 1, 2, 3, 4, 5, 5 महीने इसके हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा ली। जब ये आप लगाएंगे, आपको फंडामेंटल में हर चीज़ बता रहे होते हैं, उनसे आपको बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा, टेक्निकल भी आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। उसके बाद हम एक इधर से वैसे इसको हम देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए मार्केट क्या कर रही है। ये देखें, चलें अभी इसको हम रिमूव करते हैं। अभी हम वीक में आते हैं, वीक में देखते हैं। ये हम आ गए वीक में। वीक में सिर्फ 2 वीक्स मार्केट ऊपर गई है, बाकी 3 वीक्स नीचे आ रही है। इसके लिए हम अभी एक ट्रेंड लेते हैं। ये हमने ले लिया ट्रेंड। ये देखें, ये हमारा आ गया वीक का ट्रेंड। चलें, ये वीक का ट्रेंड आ गया हमारा। अब हम आ जाते हैं डे 1 में। डे 1 में आके हम सबसे पहले एंगल चेक करेंगे, ये किस एंगल के साथ डाउन ट्रेंड में आ रही है। इसके लिए लाइन इन्फो लाइन लेंगे। ये हमारी लग गई इन्फो लाइन। इन्फो लाइन थोड़ा से हम नीचे कर लेते हैं इसको ताकि थोड़ा सा पता हमें सही चलेगा, ताकि इसकी आखिरी है। इसको जूम करेंगे अभी। ये आ गया हमारे पास -26 का एंगल। चलें अभी इसको हम फिलहाल रिमूव करते हैं। ये एंगल वाला अभी भी मैं आपको एक दिन समझाऊंगा। ये अभी थोड़ा सा मैं आपको टाइम निकाल के ना किसी दिन इस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि हमें एंगल से हमें ट्रेड कैसे मिलेगी, एंगल का क्या किरदार होता है। अच्छा, उसके बाद हम ट्रेंड देखेंगे अभी इसके डे में किधर गया। ये आ गई पैरेलल लाइंस। एक इधर से भी ट्रेंड बन रहा है अभी, जो के चलें अभी डे में आ जाते हैं। डे में देख लेते हैं, डे में तो देख ले, सॉरी H4 में देखते हैं। H4 में बिल्कुल ये हमें ट्रेड दे रहा है, लेकिन हम अभी और देख लेते हैं। और देखने के लिए हम एक ये वाला ट्रेंड देख लेंगे। ये देखें, ये अभी हमें ट्रेड दे दी।
इधर से भी हम बाय कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एक ये पॉइंट हो गया तकरीबन, इसको हम एक ही कर देते हैं ताकि सही से पता है। इंशाल्लाह इधर से बाय चला जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये टारगेट हमें मिलेगा, एक मिनट मैं अभी देखता हूँ टारगेट। ये एक मेरा छोटा सा अकाउंट है, इसका हमने कर दिया अभी ये। हमें टारगेट इधर से पता चल जाएगा। अट्ठासी अशारिया 087, 88। ये आ गया हमारा टारगेट, इसको हम करते हैं थोड़ा सा कलर चेंज। इसको कर दिया हमने ग्रीन, इसको कर देंगे येलो, और चेंजिंग पॉइंट्स को हम कर देंगे येलो। अच्छा ये हमने एक इधर लगाया, इसको हमने कर दिया येलो, और एक हमने लगा दिया इधर। ये देखें जहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है, और एक ये देखें आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ। यहाँ पर आ गया, ये देखिए, और हमारी ट्रेड रेडी हो गई फॉर बाय कैट जे पे बाय। इसका इंशाल्लाह टीपी असल मैं प्रॉपर टीपी असल इसका दे दूंगा मैं वीएपी में। इसको हम इधर से करते हैं बाय। ये हो गई बाय। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर ऐसे एक एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में आ जाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।